गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज गुड मॉर्निंग है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज एवरेज को फ्रेश करना है। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं। दो संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें क्या कठिन है? दो संख्याओं का औसत क्या है? 15। मतलब दो संख्याओं का औसत है ना 15, औसत है ना, कितना है औसत? 15। दो संख्याओं का औसत है 15, और उनमें से एक संख्या कौन है? उनमें से एक संख्या 10 है। तो बताओ, ये जो औसत है ना, वो दो संख्याओं का है ना, एक संख्या 15 हो गई, दूसरी तो मैं एक्स मान लो, और कितनी संख्याएं हैं? दो। सही रखा हमने। औसत कैसे निकालते? संख्याओं का योग बटे कुल राशियों की संख्या, कुछ ऐसा ही है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ऐसे ही है। देखो, राशियों का योग, एक राशि 15, एक राशि मान ली एक्स, उनका औसत निकाला, सो दो रखा, औसत कितना दिया है? 15 दिया है हमें। बस अब यहाँ हल कर लो, बटे में एक लगा लो, त्रिक गुणा कर दो, 15 दूनी 30 आ जाएगा, और एक का गुणा इसमें करेंगे सो 15 + x ही रहेगा, 15 उस साइड जाएगा सो -15 30 में 15 गए सो 15 x = 15। उसने क्या दूसरी संख्या पूछी? क्या पूछी है? लो किताब, देखो, आंखें खोल के रखो। 15 20 है आंसर। देखो, दो संख्याओं का औसत 15 है, एक संख्या 10 है। अरे यार, एक संख्या क्या है? 10 है, ऐसा बताओ। 10 है, अब 10 उस साइड जाएगा तो 20 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? क्या कठिन था? कठिन था क्या सवाल जो पूछा है? दिमाग नहीं लगाते हो? दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान ने दिमाग दिया है। तीन संख्या का औसत 16 है, हाँ ये नहीं बताएंगे हम। अब वहाँ, यहाँ इसमें थी दो संख्याएं, उसमें है तीन संख्याएं, उसमें दो संख्याएं दी गई हैं, तीसरी मान लेना x, इसी प्रकार लगा लेना। विमला एवं कमला की उम्र 12 और 16 वर्ष है, तो उसकी औसत उम्र क्या कठिन है? औसत उम्र निकालनी है। औसत कैसे निकालते हैं? जो दिया गया है 12 है, एक 16 है, दोनों की कितनी है? दो जने है ना, दो उम्र है ना, बस हल कर दो। 16 2 18 10 28 14 है आंसर। इतना कठिन थोड़ा है, बच्चों से भी बच्चे वाला। अच्छा, दो वाले बता देंगे, शहर के बच्चे पढ़ने वाले, दो वाले भी बता देंगे इसको। मेन चीज क्या है ना, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। ये भगवान ने ऊपर वाला ये माला दिया है ना, जो फ्लोर, ये यूज करने के लिए दिया है, वरदान है इसको। जितना यूज करेंगे उतना ही बढ़ेगा, भगवान का वरदान है, समझ जाओ। हो गया। अब देखो, 15 छात्र की औसत आयु 18 है, एक छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। देखो, ये है बताने लायक सवाल, ये है बताने लायक। अब देखो, 15 छात्रों की, उसने क्या कहा है? 15 छात्र की औसत आयु 18 है ना। मतलब यहाँ 15 छात्रों की योग होगा, योग होगा कि नहीं होगा? पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, सभी छात्र के योग को जोड़ते हैं, योग मतलब जोड़ना। तो यहाँ होगा आयु का योग, यहाँ क्या होगा? छात्रों की संख्या कितनी है? 15 है ना, और औसत कितना है? औसत है 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो औसत है हो गया 18। क्या हम इससे योग नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। 15 × 18 15 × 8 120 की 12 15 × 12 15 × 15 217 27 270 योग आ जाएगा। उनकी उम्र का योग कितना निकल आया?
हाँ आयु का योग, ये क्या है आयु का योग, ये क्या था आयु का योग, ये क्या था छात्रों की संख्या, ये छात्र हैं कितनी आयु है, और ये क्या है ये औसत है, आयु का योग 270 निकला। इतना आया समझ में, समझते जाना, जो ना समझ में आए पूछते जाना। ओके अब आगे पढ़ते हैं क्या है, धीरे धीरे सवाल पढ़ते हैं। देखो एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए, उसने कहा है इसमें इसमें एक आयु और जोड़ दे, एक आयु और जोड़ दे, जोड़ दी, एक जोड़ना इसी को कहते हैं आयु, ये जोड़ गई ठीक है। अब उसने क्या कहा है, तो औसत आयु एक से बढ़ जाती है, एक से बढ़ना मतलब एक बढ़ जाती है, तो पहले कितनी थी आयु, औसत आयु कितनी थी, तो अब 18 में एक बढ़ गई ना तो 19 हो गई, तो ये 270 प्लस एक्स, ये आया समझ में आयु का योग क्या है। देखो ये यहाँ क्या होगा, देखो दोबारा बता रहे, आयु का योग आया समझ में, इतना निकला। अब वो सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्र और आ गया, एक छात्र जुड़ जाए, जुड़ जाए, तो अब एक बात बताना, आयु का यहाँ योग होता है ऊपर फॉर्मूला में क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है राशियों की संख्या, मतलब राशि 270 थी 15 की, एक की और जोड़ दो तो 16 की जोड़ गई, और अब कितने लोग हो गए, कितने हो गए, यहाँ 15 लोग थे, अब कितने, देखो एक और जोड़ गया 16 आ गया, यहाँ औसत कितना, पहले औसत कितना आ रहा था, 18, अब एक ज़्यादा आ रहा ना तो 19 आ जाएगा ठीक है। अब देखो इसके बटे में ये कर दो, तो एक का गुणा इसमें रहेगा, 19 का गुणा इसमें रहेगा, ऐसे ही है ना त्रिक गुणा, तो 19 का 19 गुणा 16 आ जाएगा बराबर, एक का गुणा इसमें तो 270 प्लस एक्स रहेगा, आया समझ में। अब एक काम करो, काट के देखो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 16 नम्मा 144 की चौदह हासिल, 16 एकम 16, 17 18, 19 20, 10 30, 304, यहाँ क्या है 270, यहाँ क्या है x। अब ये प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस का, यानी 300 में 70 गए, देखो पहले 300 में 270 गए तो 30 नहीं बचते, 30 बचते हैं ना, और अभी चार और हैं एक्स हमारे पास 34, तो x बराबर कितना आया। उसने क्या पूछा हमसे, सवाल में पढ़ो, पहले सवाल में पढ़ लिया जाता है, नए छात्र की आयु, तो नया छात्र की आयु क्या मानी थी x, तो x सही तो है, देखो 34 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, उसने रुको रुको, औसत आयु एक से बढ़ जाती है ना, सवाल है गलत बता रहा है, अच्छा ऐसा है 48, हाँ 48 बन गया क्या, 48 तो किसी ने नहीं हमसे पूछा, बना, और पूछते भी नहीं हो, सवाल लगाओगे नहीं तो कहाँ से बनोगे, बनेंगे बताओ। अब ये क्या होता है, ये सवाल बन जाता क्या, बनता तो कैसे छूट गए, मतलब पढ़ा नहीं है तुमने, लोगों ने घर में, तुमने भी नहीं लगाया घर में, पंद्रह अट्ठे 120, 12 15 कम 15 270, 27 270 तो आता है ये, है ना ठीक है। अब 16 की क्या आ रहा है, 19, 16 17, अच्छा देखो उसने कहा है एक से अधिक हो जाती है क्या औसत आयु, तो पता है ये 17 होना है, देखो ये 17 हुआ, अब यहाँ 17 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 सत्ती, सर
272 आ रहा है गुणा 272। अब बताओ उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, दो। तो ये क्या निकला, कितने वर्ष थी, समझ गए। ये गुणा थोड़ा सा गलत हो गया था, समझने में दिक्कत हो गई। हमने क्या देख लिया कि हमने 48 नंबर का बताया, लेकिन वहाँ नीचे ऊपर वाली लाइन में कहीं और देख लिया, हाँ 50 में देख लिया, आयु एक से बढ़ जाती है, लेकिन 48 में बता रहे थे उसमें क्या लिखा है, एक की कमी हो जाती है। सो कितनी थी पहले, 18, और एक की कमी कितनी हो गई, बन गई ना। अब आया ना समझ में, इसको दोबारा देखना समझ में आएगा, ठीक है। लो अब आते हैं अगले में, फिफ्टी नंबर का किससे बना, किया ही नहीं है कह दो, याद रखना आज फिनिश है, जिस दिन टेस्ट होगा तो समझ लेना, टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। हमें कौन सा बताना है, 49, 47, 47 हो, कुछ नहीं है। देखो 15 लड़कों का औसत 12 है, 13 लड़कियों की औसत आयु 16 है, देखना 15 लड़कों का, 15 लड़के का औसत, औसत की बात करें तो कितना है, 12 है, ठीक है, और 13 16 है, तेरह लड़कियों का औसत कितना है, 16 है। सो ये तो औसत दिया है, तो एक काम करो इनकी आयु का योग निकाल लो, पंद्रह लड़कों का औसत 12 है, 13 लड़कियों का औसत 16 है। अब उसने क्या पूछा है कि उन सभी 28 की औसत आयु, तो क्या ये लोग 28 हैं, तो देखो 15 3 18 10 28 28 ही तो है टोटल, मतलब उसने अलग अलग औसत दे दिया, ठीक है। औसत कैसे निकाला जाता है, अगर हम इसकी, अगर ये देखो औसत दिया है, लड़के दिए गए हैं, तो क्या योग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। योग क्या होता है, दोनों का गुणा, 15 दूनी 30 की 3, 15 एकम 15, 3 18, इनका योग कितना आया, 15 लड़कों की आयु का योग कितना आया, 180। इस वाले का योग निकालें, देखो इसका योग निकालें तो कितना आएगा, 16 तिया 48 की 4, 16 एकम 16, 208 आ गया। ये 15 लड़कों की आयु का योग है, ये 13 लड़कियों की आयु का योग है। उसने क्या पूछा, पूरे के पूरे 28 छात्रों का बताओ, तो देखो योग निकल आया, तो 15 लड़कों लड़के ये हो गए, उनकी आयु जोड़ने पे इतनी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, योग क्या कहलाता, वही तो कहलाएगी। 15 लड़कियों की आयु कितनी है, 208 आएगी जोड़ने में, और टोटल हैं कितने ये लोग, 28। अब जोड़ दो इनको, 200 300 388 आएगा, हमें 28 का भाग नहीं बनता, नहीं बनता, 7 का और 4 का तो बनता है, 7 चौके 28, 7 से काटे, 7 पना 35, 3 और 38 नहीं जा रहा है, दशमलव में आएगा ये तो, आएगा ना। तो एक काम करो, पहले 7 से नहीं, पहले 4 से काटते हैं, 4 चाराठी 32, 4 नाम 36, 2 और 8 4 सते 97 में, अब 7 का भाग देंगे, सो 7 एकम 7, 2 और 7 27, सो 7 तिया 21, 7 चौके 28, ज़्यादा हो जाता है, 7 तिया 21, 6 बचे 6 और 0 बन गया, तो 7 छंग पहले 7 सतियों 4 68 56, ऐसा ही है, कितना आ रहा, मतलब इतना तो आ रहा है ना 13 दशमलव कुछ, हाँ तो इसमें दिमाग नहीं खराब करना, और हमने बताया था ना 3 अंक तक निकाल लिया करो, सो 56 आ गए, बचे 4 4 और फिर 0 लग गया, सो 7
सात नीचे तो 27, सात का भाग दे रहे बेटा, सात सत यो 49, सात अठी नहीं, सात नीचे 10 21, सात चौकटी सात पना 35, 35 कितने बचे, 5, 1 के 50, सात सतैया देखो 13.857 या 13.5, देखो हमने बताया था 6 आ रहा क्या यहाँ, हाँ तो देखो यहाँ देखो हमने बताया था कोई अंक बड़ा हो या बराबर हो तो एक अंक बढ़ जाता है, यहाँ आ गया ना वो काम, समझ गए। 15 लड़कों का औसत दिया है, योग निकाल पाएंगे, 13 लड़कियों का औसत दिया है, योग निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अब इतने लड़के का, इतने लड़कों की आयु का योग, इन तीन लड़कियों की आयु का योग, और कुल कितने लोग, 28 भाग दे देंगे, बात खत्म। आगे देखते हैं, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16, उनमें से 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14, देखना 35 की आयु दी है, 35 की आयु दी गई है कितनी, 16, 35 की दी गई है 16, उनमें से ये किन में से, इन्हीं में से, इन्हीं में से 35 की आयु दी गई 16, उनमें से 21 विद्यार्थियों की आयु 14, 21 की क्या है, 14 है, 35 की 16 है, 21 की 14 है, ध्यान देना, देखो 35 की आयु औसत आयु दी गई ना 16, तो जब भी औसत आयु दी गई हो और जितने विद्यार्थी की दी गई हो, आंखें बंद करके योग निकालना है, योग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं ना, कैसे करते हैं पता है ना, फॉर्मूला में हो जाता है, त्रिक गुणा हो जाता है, वही लिखा है, डायरेक्ट गुणा करने के लिए हम कह रहे हैं, अब वीडियो ना देखते होगे तो कोई कुछ नहीं होना पर होने वाला, 16 × 5 = 80 की 8, 16 × 3 = 48 और 8 = 56, 560 आ जाएगा योग। अब उनमें से 21 की आयु का योग 14 दिया गया है, तो 14 एकम इसका निकालेंगे, 14 एकम 14, 1 बचा, 14 × 28 1 = 29, 294 आया, ठीक है, ये तो दिया गया है। अब क्या का उसने कहा है, 21 विद्यार्थी की औसत आयु 14 है, अब 14 विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी, अब 14 विद्यार्थियों की, तो देखो 21 लोगों की हो गई 14 हो गई, तो एक बात बताओ 35 थे टोटल, उनमें से 21 ये हो गए, तो बचे कितने, 5 में से 1 गई 4, 3 में से 2 गई 1, यही तो पूछ रहा है, 14 विद्यार्थी यहाँ बचे, अब 14 विद्यार्थियों की उसने क्या पूछा है, औसत आयु, औसत निकालना, तो एक काम करो, कुल आयु इतनी थी, उनमें से इतनी आयु घटा देंगे हम, घटा देंगे, सो घटाएं, 10 में से 4 गई 6, 5 में से 9 गई यानी 15 में से 9 गई, सो 6, 4 में से 2 गई, सही है, यानी 21 लोगों की घटा दें तो अभी इतनी आयु बाकी है, कितनी आयु बाकी है, ये किसकी आयु होगी, ये शेष विद्यार्थियों की आयु होगी, तो हमारी आयु का योग कितना है अभी, 266, 266 है कि नहीं है, 266 है, ये किसकी है, 14 लोगों की, भाग दे दो, 14 × 1 = 14, 24 × 12 = 14, 14 × 1 = 26, 19 आया, देखो ये किसकी आयु होगी, शेष वाली, ये शेष जो बच्चे होंगे उनकी आयु होगी, इतना आया समझ में, आ रहा है ना, आ रहा है ना, जो तुम्हारे डाउट खत्म है, अब हम अपने मन से बताए दे रहे जो बताना है, ठीक है, बाकी फिनिश है। देखो आयु हो, भार हो, कुछ भी हो, ऐसे ही हल करना है, ठीक है, अब उसने कहा देखो 10 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, देखना 10 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्तियों का
एक औसत भार में, औसत भार कुछ भी होगा, हमने मान लिया एक्स है, ये कौन है, ये औसत है, औसत उसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब बढ़ना, वृद्धि का मतलब बढ़ना। अब जब 40 किलोग्राम कब बढ़ती है, 2 किलोग्राम कब बढ़ता है, जब 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब 10 व्यक्ति होंगे, इनमें से एक व्यक्ति होगा 40 किलो का, इसको हटाना है, इसको हटा दिया, उसकी जगह पे नया व्यक्ति आ गया और उसका भार नहीं पता, नया कीजिए, नया व्यक्ति आ गया। अब नया व्यक्ति आ गया तो 2 किलो बढ़ गया, दिमाग लगाना। तो अभी व्यक्ति कितने होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, सो रहे हो ना, बढ़ेंगे ना घटेंगे। उसने क्या कहा, इसके स्थान पर दूसरा आ गया, एक चला गया एक आ गया, तो व्यक्ति उतने ही नहीं रहेंगे। अगर ना पढ़ना हो ऑनलाइन से बंद कर दें, हमें कुछ नहीं मिलता ऑनलाइन पढ़ाने में, उल्टा दिक्कत होती है कि खड़े हैं लोग बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे। एडिटिंग में टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं ऑनलाइन क्लास की वजह से, जो आराम से 11 बजे सो जाए और 6 बजे तक उठते हैं, लेकिन अपने मन से लगता ही नहीं है कि पढ़ो लिखो, दिमाग नहीं लगाना चाहते हो। 10 व्यक्ति औसत इतना, 2 किलोग्राम बढ़ा कब, जब नया व्यक्ति आ गया 40 किलो वाले के स्थान पे, इतना आया समझ में, आया कि नहीं आया। तो देखो एक बात बताओ, मान लो हम एग्जांपल बता रहे, एक व्यक्ति 10 का है, है औसत, मान लो उसके स्थान पे 12 किलो वाला आ गया, तो 2 किलो ही तो बढ़ रहा है, और 2-2 किलो औसत में बढ़ रहा है, औसत में, औसत किसका होता है, सबका होता है ना। जैसे 10 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति मान लो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं और 8 में से एक व्यक्ति 10 किलोग्राम का है, उसको हमें हटाना है, उसकी जगह पे 12 किलोग्राम का आया, आया तो यहाँ पर मतलब 12 नहीं, मतलब यहाँ कोई बढ़ के आया, कितना बढ़ के आया कि औसत में 8 से 10 हो जाए औसत, मतलब औसत कितना बढ़ा, 2, मतलब 2 किलो किस में बढ़ा, 2 किलो हर एक में बढ़ा होगा, 2-2 किलो, जब तो औसत, देखो औसत कैसे निकालते, इसका 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 सभी की आयु का योग होगा और सब में 2-2-2-2 जोड़ना है, कल एक सवाल बताया था गुणा करने वाला, इसमें जोड़ना है 2-2, तो 2-2 सब में एक बार जोड़ने से अच्छा है एक ही बार गुणा कर दो, बताया था, तो ऐसे ही इसमें करना। 40 किलोग्राम वाला व्यक्ति है तो 40 तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना बताओ, 40 वाला चला गया, लेकिन उससे ज़्यादा वाला व्यक्ति आया ना, जब तो औसत बढ़ा, औसत कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा वजन का व्यक्ति आया, तो मतलब 40 तो वो है प्लस में कुछ एक्स्ट्रा और वजन का होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का है ना, दिमाग समझते जाना, होगा कि नहीं होगा। तो जो ये एक्स्ट्रा होगा, कितना कितना एक्स्ट्रा, 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि 2-2 सब में बढ़ रहा है, कितने लोग हैं, 10, 10 लोगों का 2-2 किलोग्राम बढ़ा, जब तो 2 यहाँ बढ़ा और टोटल में बढ़ा, तो कितने किलोग्राम का आया, देखो 40 पहले का, 10 × 2 = 20, मतलब 60 का आया कि नहीं आया, 60 किलोग्राम का आया होगा। हर व्यक्ति का 2-2 किलोग्राम बढ़ा, देखो औसत किसका होता है, सभी की आयु का योग होता है, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, सबका 2-2 बढ़ा होगा, तो सबका 2 बढ़ाने से अच्छा है एक बार 2 बढ़ा दो, 2 का गुणा किया किस में, कुल व्यक्तियों में, और पहले जितना था उतना जोड़ दो, 60 आ जाएगा, 60 किलोग्राम, समझ गए। अब देखो सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान, देखो मंडे ट्यूजडे वेनेसडे का औसत तापमान, औसत तापमान 30 है,
औसत औसत तापमान, औसत कैसे निकालते, ऐसे ही तो निकालते, ऐसे निकालते। तो एक काम करो, औसत तापमान तो मैं 30 दिया है, तो क्या योग नहीं निकाल सकते, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, कैसे नहीं आया समझ में। कितने दिन, सवाल क्या होता है, सभी सभी का योग होगा तो तीन का योग होगा कि नहीं होगा। तो देखो, सभी का योग बटे दिनों की संख्या होगी, तिर्यक गुणा होगा, इनका गुणा इससे, इनका गुणा इससे, तो 30 दिया 90, तो योग कितना आया, मतलब इनका इन तीनों का तापमान जोड़ दें तो 90 मिलना चाहिए। पहली चीज। तथा बृहस्पतिवार, मंगल बुध और बृहस्पतिवार, अब देखना ट्यूजडे वेनसडे और थर्सडे, तीन योग आ गए। हाँ, 38 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान कितना था, अब इनका कितना है 38, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस तथा बृहस्पतिवार का औसत, अरे मंगल बुध 40, यहाँ 40 है, 40 है, तो इनका योग निकालेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। अब नहीं बात पूछना कि कैसे आया 120। अब अगला है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान बताना है। देखना जादू दिखाएं, अच्छा देखो जादू दिखाएं, ये तो योग वाला हो गया, योग से हम निकाल के बताए दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका योग जोड़े, इसका योग जोड़े, ये किस, अब देखो इसमें क्या है, मंगल है सोमवार है, मंगल है बुध है, इसमें क्या है, मंगल है बुध है गुरु है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा अगर घटाएं, तो एम माइनस टी बचेगा, यानी मंडे माइनस थर्सडे बचेगा। अब इन दोनों को घटा लो, 90 120 का अंतर कितना आया, 30 आया 30। अब ये इनमें से एक का तापमान दिया गया, किसका, बृहस्पति का, देख लो बृहस्पति का यानी गुरुवार का, ये थर्सडे है, ये ट्यूसडे नहीं है, ये थर्सडे है, टी एच, समझ गए, ये टी एच है यानी थर्सडे, थर्सडे का तापमान हमें दिया गया कितना 38, यहाँ 30, इसको घटाएंगे, ये माइनस था यहाँ है ना, यह माइनस था, एम बराबर कितना आ गया, मंडे बराबर, मंडे बराबर कितना आएगा, देखो ये इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस के 30 प्लस के 38 हो जाएंगे, तो एम बराबर क्या बचेगा, 8 ही बचेगा ना। देखो तीनों का योग दिया है, औसत दिया है 30, हमने योग निकाला, तीनों का औसत दिया है, हमने योग निकाला, ये आया समझ में। अब इतने में इतने को घटाओ, सो देखो ट्यूजडे से ट्यूजडे चला गया, वेनसडे से वेनसडे, तो तुम्हारा मंडे से थर्सडे अभी घटाने को बचा है, तो मंडे से थर्सडे ये घटाया, और 40 और 30 का देखो यो, सॉरी इसका 90 और 120 का अंतर कितना, माइनस 30, देखो 90 में 120 तो जाते नहीं, तो 120 में 90 जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका पड़ा, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। अब यहाँ 38 तो मैं दिया गया सवाल में, 38 दिया गया है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस आ लिखा, गुणा नहीं है, प्लस है, ठीक है, तो क्या बचेगा, 8 डिग्री सेल्सियस बचा, बात खत्म, समझ गए। एक व्यापारी ने 5 टिन डालता 210, 7 टिन डालता इतने की दर से, 8 टिन डालता इतने की दर से खरीदा, डालता का औसत, तो एक काम करना है, ये डालडा दिया गया है, देखो कोई कठिन सवाल तो है ही नहीं है, ये बनाए बस वो कठिन, इसमें बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ती है, और सवाल वही है, क्या एवरेज औसत, ठीक है। देखो 5 टिन डालता, 5 टिन था तो 210 के हिसाब से था,
7 10 था तो 215, 215 का एक है, देखो प्रति प्रति वो दिया गया है 10 है ना, तो एक 10 है ये, प्रति 10 है, एक 10 का है ये, एक 10 कितने में, 210 में, यहाँ एक 10 कितने का, 215 के हिसाब से 7 लिए उसने, ठीक है, और 8 10 200 प्रति 10 की दर से 8 लिए, 200 के हिसाब से लिए, यानी एक 10 कितने का, 200 रुपये का है ना, ठीक है। डालडा का औसत प्रति 10, अब इनका औसत निकालना, तो एक बात बताओ औसत, देखो ये क्या दिया है, ये तो एक का मूल्य है ना, एक 10 210 का, एक 10 215 का, एक 10 200 का, तो तुमने 210 रुपए का एक 10 लिया, तो 5 टन कितने की, 5 टन 21 5 105, यानी 1050 के आ जाएगा, 1050 का आ जाएगा, दस सौ पचास का आ गया। अब 7 का गुणा इसमें, सो 7 5 35 की 3, 7 1 7, 7 1 7 7 1 7 और 3 10 1, 7 2 14, 1 15 इसका, 8 2 16 सौ, यानी 5 10 खरीदे इतने के, 7 10 खरीदे इतने के, और 8 10 खरीदे इतने के। अब उसने औसत निकाला ना, औसत निकालना ना, तो एक बात बताओ, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो उनके रुपए का योग निकल आएगा, 5 5 1 4, सही है, जोड़ो, 5 5 1 4, तो ये क्या है, ये टोटल पड़ रहा है ना, ये टोटल है ना, कितने रुपए में पड़ रहे इतने टन, टिन 4155 में पड़ रहे हैं, लेकिन कितने टन टिन थे, 7 5 12 8, एक काम करो, 2 का भाग देते हैं, सो 2 से जाएगा 10, 2 का इसमें दें, सो 2 2 4 कुछ बचा नहीं, 0, 2 7 14, 2 7 14.5, 1 खिसका दो, यानी 207.75 आ रहा है, आ गया ना, तो ये प्रति टिन है, समझ गए। लो आज तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश है, सब कोई दिक्कत नहीं है, एक चाल वाला होगा, देखना, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर, तो बस की औसत चाल का हमने बताया था ना, 8 घंटे समय हो गया और 400 तुम्हारी दूरी हो गई, तो औसत चाल कैसे निकालती है, दूरी बटे समय, 400/8 है तो 58, ये किलोमीटर में ना 400, तो 58 40, यानी 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिनिश। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है, तो आज और कल में लग जाए पूरा का पूरा, समझ गए, शुरू से लगाना बनेगा, ओके। और हम यहाँ इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो वीडियो शेयर किया करो, मेन चीज, ओके, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है, ओके, थैंक यू।